अब एक ऐसी खबर जो डराने वाली तो है ही, साथ ही आपको सावधान करने वाली भी है। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम गांधीनगर संजय नगर के सेक्टर 23 का है, जहां पार्क में खेल रहे एक बच्चे पर पिटबुल ने अटैक कर दिया। फिर क्या हुआ इस स्टोरी में जानिए। ये मामला बीते शनिवार का है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई है। बताते चले कि गाजियाबाद में पार्क में घूम रहे 11 साल के बच्चे पर पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया और उसके कान और गाल को बुरी तरह से नोच दिया। बच्चे के चेहरे पर 150 से ज्यादा टाके आए हैं। सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया है। मामले में पीड़ित बच्चे के पिता ने पुलिस में शिकायत की। 3 सितंबर 2022 को शाम को लगभग 6 बजे ललित त्यागी नाम के व्यक्ति अपने कुत्ते पिटबुल को संजय नगर पार्क में टहला रहे थे, जहां पर उनके द्वारा बहुत ही लापरवाही से उस कुत्ते को अचानक से छोड़ दिया गया और उस कुत्ते ने एक 10 साल के बच्चे पर हमला कर दिया, जिसमें उस बच्चे को गंभीर चोटें आ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे के बाबा टीका नाम त्यागी द्वारा इस संबंध में तहरीर दी गई और उसका संज्ञान लेते हुए उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नगर निगम द्वारा ललित त्यागी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी किया गया है। वीडियो में दिख रहा है कि पार्क में एक लड़की अपने पालतू पिटबुल डॉग को घुमा रही थी। इस दौरान पिटबुल उस लड़की के हाथ से छूट गया और उसने इस बच्चे पर हमला कर दिया। हमले में बच्चा जमीन पर गिर गया और पिटबुल ने उसको बुरी तरह नोच डाला। इस घटना के बाद से बच्चा बुरी तरह डरा हुआ है। वहीं इस सोसाइटी के अन्य लोग भी भयभीत हैं। बच्चे के चेहरे पर पट्टी बंधी है और वो घर पर है। वो कुछ बोलने या खाने पीने की स्थिति में नहीं है। गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली NCR इलाके में पालतू कुत्तों के हमले में लगातार तेजी आ रही है। इसी क्रम में पार्क में खेल रहे 11 साल के लड़के के ऊपर एक पालतू पिटबुल कुत्ते ने हमला कर दिया। बच्चे के चेहरे पर गंभीर चोट आई है। मामले में गाजियाबाद नगर निगम ने कुत्ता मालिक सुभाष त्यागी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। लगभग 6:30 बजे के आसपास मेरी मदर का फ़ोन आया कि ऑस्कर ने जो है, कुश नाम है लड़के का, वो सचिन त्यागी जी का बेटा है, उसको काट लिया है। पार्क में छोटे बच्चे खेल रहे थे, बॉल से खेल रहे थे, बॉल की तरफ दौड़ा, जैसा मुझे उसने बताया तो बॉल की तरफ वो दौड़ा। दौड़ने के बाद जो है बाकी बच्चे तो सब झूले पर चढ़ गए। जो कुश था वो भी थोड़ा उसके साथ फ्रेंडली था, कभी कभार जैसे मैं घुमा रहा हूँ तो उसके मुंह पर हाथ फेर लिया ऐसा करके। तो कुश उसके पास ही था जब गया, उसके हाथ में बॉल थी तो तभी उसने शायद उसे काटा है। लेकिन सबसे पहले तो हम प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो सही हो जाए, जो भी दिक्कतें हैं वो सब सॉल्व हों। और हमारा एक्चुअली उनके साथ फैमिली रिलेशन रहा है शुरू से, तो जो भी चीज़ है हम साथ में हैं उनके। और बाकी उसे रखने की और उन सब चीज़ों की बात है तो हम तो अब आगे नहीं रखेंगे उसे, और जो है बाकी नगर निगम का जो भी नॉर्म्स होंगे वो हम पूरे फॉलो करेंगे। जानकारी सामने आई है कि सुभाष ने अपने पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया हुआ है। ऐसी ही और खबरें जानने और देखने के लिए हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, साथ ही इंडिया टीवी के Facebook, Instagram और Twitter हैंडल पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और दिन भर की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी।